रात अपने होस्ट पंकज भाई के घर पहुंच गया था और अभी उन्हीं के घर पे हूँ, नहा धो लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ और रात डिनर करके मैं सो गया था क्योंकि बहुत थका हुआ था। गुवाहाटी के अंदर हूँ अभी मैं और इस जगह का नाम है स्पेनिश गार्डन और ऊपर से नज़ारा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ऊपर से। तो अब मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी को थोड़ा एक्सप्लोर करने और जैकेट वगैरह ले ली है क्योंकि ठंड हो सकती है आते हुए। तो हमारे पूरे भारत के अंदर 51 अलग अलग जगह पर शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ ये है कामाख्या मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है मैंने और यहाँ से दर्शन के लिए जाना है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लाइनिंग। मैम ये कैमरा कहाँ तक नहीं अलाउड है? अंदर में अलाउ नहीं है, इधर लाइन में जा सकते हैं। अच्छा लाइन, ये लाइन है पूरा? हाँ पूरा लाइन है। कितना टाइम लगना पड़ेगा? एक डेढ़ घंटा लगेंगे। एक डेढ़ घंटा लग जाएगा? तो लाइन चलनी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, नहीं तो बहुत देर से रुके हुए थे हम लोग और अभी स्टार्ट हुई है, शायद थोड़ी देर में दर्शन हो जाएंगे। हमें एक घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे लगे हम लोग चल रहे थे, हम लोग रुके हुए थे बहुत देर से। साइड साइड में बना रखा है बैठने का स्थान भी और अब आ गए हम पास बिल्कुल अंदर और शायद यहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। कामाख्या मंदिर में मैं दर्शन कर चुका हूँ और पंडित जी ने मुझे चुनरी दी, सबको नहीं दे रहे थे पर उन्होंने मतलब आशीर्वाद दे दिया, मतलब माँ कामाख्या का पत्थर पे तराशा गया माता की मूर्तियों को। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही पुरानी कलाकारी है ये। माता के दर्शन हो चुके हैं और माता का आशीर्वाद भी मिल चुका है। पंडिया ने मेरे को 7-8 किलोमीटर छोड़ दिया है, थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर, कामाख्या मंदिर आज घूमा हूँ। The next day, पंकज भाई के घर पे पहुंच गया था और अंकल जी से भी मिला, नमस्ते अंकल जी, आंटी जी से भी मिला, आंटी जी ने मेरा प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, नमस्ते आंटी जी। बहुत बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ। तो अंकल जी ने आंटी जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। क्या ये मम्मी पापा को भी जी जी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच अंकल जी। अभी चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज भाई का भी बर्थडे है, आप सब भी विश कर दीजिए हैप्पी बर्थडे पंकज भैया। थैंक यू। मेरे को जाना है उमानंदा टेम्पल और कोशिश कर रहा हूँ लिफ्ट मांगने की। लिफ्ट मिल चुकी है, हिचहाइक स्टार्ट हो चुकी है गुवाहाटी के अंदर भी। थैंक यू सो मच भैया, एक और लिफ्ट मिल गई है, भैया ने रोका है, स्कूटी पे जा रहे हैं, थोड़ा आगे था, कितनी दूर तक जा रहे भैया? मैं पहुंच चुका हूं, भैया बताएंगे हम कहां पे हैं अभी। और यहां से गवर्नमेंट बोर्ड जाती है और भैया टिकट काउंटर पे थे और मेरे को बोला है कि आप विदाउट टिकट भी जा सकते हो, थैंक यू सो मच भैया उसके लिए। अभी हम कहां पे भैया? ये कचहरी बोलते हैं, तो नदी के पास है। अच्छा ये जाएगा कि आपको ये जो जहाज विमान से जाएगा जी, पहाड़ जी जी जाएगा, 5 मिनट लगेगा जी, तो अभी एक घंटा आपको टाइम देगा घूमने के लिए जी। ठीक है ठीक है, दर्शन कर सकते हैं जी। टाइमिंग्स लिखी हुई है सारी, ये टाइमिंग्स है यहाँ की, वहाँ पर बोट जाती है, 1 घंटे का समय देते हैं लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करके मंदिर के दर्शन करके, 1 घंटे बाद उसी बोट में वापस आ जाते हैं, है ना। पूरी भीड़ हो चुकी है और बहुत से लोग भी बैठा हो गए हैं बोट के लिए और सामने उधर पे बोट आ रही है, आ गई है बोट और हम चल रही है बोट की तरफ। जो भी मैं आपको
বিপরীতে একটা বই লাইট বই থাকবে बोट पे भी हिचहाइक मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद एक आइलैंड आएगा उस पे ही आइलैंड पे मंदिर बना हुआ है हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है ये सामने वाला आइलैंड है और यहीं पर मंदिर है बता रहे हैं कैप्टन साहब कि ये जहाज 1:30 बजे जाएगी और मैं बहुत ही प्यारी फैमिली से मिला हूँ हेलो जिन्होंने मुझे मुंबई में इनवाइट किया है जी जरूर ऊपर वो रोप वे जा रही है और नीचे बोट तो आपकी मर्जी है आपको रोप वे से जाना है उधर से जा सकते हैं और आपको बोट से आना है तो बोट से और अब आप आइलैंड पे पहुँच गए और यहाँ पे ही मंदिर है यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है मंदिर के लिए बोट 12:50 पे यहाँ पे पहुँचा दिया है 40 मिनट्स हैं 1:30 बजे वापस जाएगी यहाँ से बोट से फिर आपको यहाँ पे आना है और फिर वापस पैदल आप मंदिर की तरफ यहाँ से सीढ़ियों से जाओगे फाइनली मंदिर के पास आ गए और ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है छोटा सा हल्का सा ट्रैक है आप इजीली आ सकते हैं तो दर्शन कंप्लीट हो गए और अब जा रहे हैं वापस टाइम ज़्यादा हो गया पता नहीं बोट है कि नहीं है मेरे को लगता है बोट नहीं होगी चली गई होगी क्योंकि 2 बज गए हैं और 1:30 बजे का टाइम था वापस आने का दर्शन धीरे धीरे हो रहे थे और हम लोग लास्ट में लगे हुए थे तो शायद मे भी बोट नहीं मिलेगी हमें तो वापस से अपनी बोट पे आ गए और ये वो वाली बोट नहीं है जिसमें हम आए थे वो बोट जा चुकी है और ये नेक्स्ट बोट है और इसको टाइम लगेगा अभी जाने में कम से कम 3 बजे जाएगी ये लोग वही बिलीव करते हैं लोगों की मान्यता है सब कुछ हाँ बहुत बहुत जी अगर आप नेगेटिव वो करेगा ही जो मैं कल मंदिर गया था उसके बारे में बता रही है कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी इन्होंने बताया है और इनका नाम डेजी है महाराष्ट्र से है और पूरी फैमिली मुझे मिली थी बहुत प्यारी फैमिली है और अभी भाई उधर है वीडियो शूट कर रहे हैं तो मिलवाता हूँ उनसे भी थैंक यू सो मच इतना डिटेल में बताने के लिए ये निशान भाई है हिस्ट्री के बारे में बहुत बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बहुत बता रहे हैं हाँ मुझे पसंद है एक्सप्लोर करना जी मतलब व्हेन
आई गो टू सम न्यू प्लेस ना, मैं भी उमानंद पहली बार आई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आई वाज लाइक थोड़ा देख के जाते हैं क्या है, फिर पापा से भी पता चला कि ऐसा ऐसा है। अच्छा बहुत अच्छा है ना आइलैंड के बीच में और इतना वो बना हुआ है उन फैमिली से तो मिल लिए थे और एक और फैमिली मिली है, ये भी महाराष्ट्र मुंबई से हैं। जब मैंने मतलब अपनी ट्रैवल जर्नी के बारे में बताया और सर को बताया मैं काउसर्फिंग यूज़ कर रहा हूँ, सर ने कहा कि अच्छा मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, 2008 से काउसर्फिंग यूज़ कर रहे हैं, मतलब अभी थोड़ा कम एक्टिव है ना, आगे बराबर है, तो अच्छा लगा मेरे को एक काउसर्फर मिले हैं मुझे इस आइलैंड पे। सर ने भी बहुत सी स्टोरीज शेयर करी, मैंने भी अपनी ट्रैवल स्टोरी शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, थैंक यू सो मच। सबको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, थैंक यू, बाय बाय आंटी जी। उमानंदा टेंपल मैंने एक्सप्लोर कर लिया था और अब लिफ्ट मान के एक नई जगह पर जा रहा हूँ और अंकल जी ने मुझे लिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच अंकल जी। टाटा जीप एक्सेल में हूँ अभी मैं और सामान वगैरह लोड करते हैं इसमें अंकल जी, और मुझे फिलहाल खाली है, हाँ फिलहाल खाली है और मुझे शायद 10 किलोमीटर तक छोड़ देंगे, है ना 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहे हैं और मेरी डेस्टिनेशन है 15 किलोमीटर, तो सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाएगा। धन्यवाद अंकल जी। अंकल जी ने गाड़ी रोकी है और बोला है कि चाय पियेंगे फिर जाना। अंकल जी ने मुझे लिफ्ट तो दी ही दी, उसके साथ साथ देखिए हमारे लिए क्या क्या प्लान कर दिया और दूसरा खाएंगे नहीं 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 अंकल जी ये बहुत है, थैंक यू सो मच अंकल जी। तो ये चाय और समोसा ऑफर किया अंकल जी ने और बोल रहे हैं और क्या खाओगे तो बहुत प्यारे अंकल जी, उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। अच्छा अंकल जी, थैंक यू, थैंक यू जी जी जी, थैंक यू, एक्सप्लोर करिए, वेलकम टू नॉर्थ, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा था समोसा और आपकी चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट थी, सब लोग का आशीर्वाद है, क्या बोल सकते हैं, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर कीजिए बड़ी अच्छी तरह से, जी जी जी। अंकल का घर दूसरी साइड था और अंकल मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं मेरी डेस्टिनेशन तक, और यहाँ से 6 किलोमीटर और है मेरी डेस्टिनेशन, बट अंकल कह रहे चलो मैं चलता हूँ आपको छोड़ने के लिए। तो कितने प्यारे लोग हैं यार, मतलब कितने प्यारे लोग हैं देख लीजिए आप आसाम के, और अंकल जी का बहुत बड़ा थैंक्स यार, सच में कितने प्यारे इंसान हैं तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनी अंकल जी से मैंने, और इनका संघर्ष जो भी था लाइफ को लेकर वो सारा शेयर किया अंकल जी ने। अंकल जी का एक हाथ थोड़ा सा मतलब कम काम करता है, कुछ इंसिडेंट हो गया था उसकी वजह से, फिर भी अंकल जी ने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रही है अभी इनकी एक गुड़िया और दूसरी सेकेंड ईयर में है, और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं हम पूरा कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, तो अंकल को सल्यूट है। और बहुत सी चीज़ें शेयर करी, लाइफ लेसन दिए हैं अंकल ने मुझे, और बहुत अच्छा लगा अंकल के साथ, सच में बहुत बड़ा दिल है अंकल जी का, बहुत बड़ा दिल है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी आ गया हूँ मैं, यहाँ पे पूरा बीच बना हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ जाकर, और यहाँ पे सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, और जो भी ब्रह्मपुत्र का जितना भी रेत है सेंट है बालू है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है और एक बीच की तरह बना हुआ है, तो वहीं पर हम आए हैं एक्सप्लोर करने और सनसेट देखने। हम आ गए आइल नेचरा, तो मुझे अभी भाई लोगों ने बताया है कि इसका मीनिंग क्या है, आइल मतलब आइलैंड, नेचर मतलब नेचर, तो इन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है आइल नेचरा, तो एक्सप्लोर करते हैं जाके देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी है सामने। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अंकल जी भी मेरे साथ आए हैं, सनसेट हो चुका है शायद, और इधर पे पूरा ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और ये सारा जो भी रेत है सेंट है वो सारा ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, और एक आइलैंड बन गया है यहाँ पर। ये जगह भी एक्सप्लोर कर ली और अंकल जी के साथ
अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अंकल इतने हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी। सिर्फ एक लिफ्ट से स्टार्ट हुई थी और देखिए कैसे कैसे मतलब आगे आगे अंकल जी के साथ मेरा समय बीता। अंकल जी के साथ यहाँ घूमने भी आ गया जहाँ मुझे आना था। सनसेट थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया है ना अंकल जी? हम थोड़ा सा लेट हो गए। 20 मिनट लेट हो गए। नहीं तो हम 20 मिनट पहले आते तो शायद सनसेट भी दिख सकता था। सामने देखिए सनसेट हो चुका है। तो कोई बात नहीं, फिर भी ये जगह बहुत अच्छी है, आना जरूर घूमने। कभी भी आप आओगे तो ये जरूर अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट होने से पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। बहुत प्यारे अंकल मिले थे मुझे, जिन्होंने मुझे कम से कम 15 से 20 किलोमीटर मुझे घुमा के भी लेके आए वहाँ तक और वापस छोड़ा भी। अब मेरा यहाँ से 7 किलोमीटर रह गए सिर्फ, जो मेरा होस्ट का घर है। और अंकल ने इतना प्यार दिया सच में यार, इतने से समय में। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार अंकल का नेचर। तो आसाम के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं मुझे। तो आप सबका, आसाम के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लिफ्ट मिल गई है, भैया ने रोक लिया बुलेट पे जा रहे थे। थैंक यू सो मच भैया। और भैया कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं आप? बिल्कुल एकदम होस्ट के घर तक मेरे को ड्रॉप कर दिया। तो थैंक यू सो मच भैया, माय प्लेजर, माय प्लेजर। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है, आप जो काम कर रहे हैं रियली हैट्स ऑफ। हेलो। तो अभी मैं पंकज भैया के घर पे हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है तनिष्क कांकरिया। मेरा नाम है यशवी कांकरिया। आप कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 3 में हूँ। अच्छा, मैं सीनियर के थी। और आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया? आज आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाँ। और आपने उस ट्रैवल कम्युनिटी का नाम क्या है? काउच सर्फिंग। यस 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 यस। और क्या उसको क्या बोलते हैं लिफ्ट लेने को? लिफ्ट लेने को हिचहाइक। यस। याद है आपको? याद है? हाँ। ये पीछे वीडियोस देख रहे हो? ये ट्रैवलिंग वीडियोस देख रहे हो? कौन सी वीडियोस है ये? आपकी। ये देखो, ये ना मैं कुएं के अंदर तैर रहा हूँ अभी। तमिलनाडु का कुआं है मेरे होस्ट का घर है। The next day. आज मेरा लास्ट डे है पंकज भाई के घर पे। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा और भाभी जी ने पैक भी करके दे दिए लंच के लिए। तो सच में दिल से धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। पंकज भैया मुझे आगे तक छोड़ देंगे, फिर वहां से मैं जोराहट के लिए निकल जाऊंगा।